दोस्तों, हर एक गरीब भाई आज का ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 2500 रुपए 2500 रुपए में कौन सा बिजनेस किया जा सकता है, क्या करें, कौन सा बिजनेस करें। दोस्तों, यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आप देखेंगे कि बहुत से वीडियो बने हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं ही केवल वीडियो बना रहा हूं, अनेकों लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके बताए होंगे, लेकिन दोस्तों मैं जो बताने वाला हूं वह उन सभी तरीकों का एक तरीके से देखेंगे तो मुख्य सार है। सार का मतलब मुख्य चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप चाहें तो 2500 या 3000 रुपए के आसपास पूंजी लगाकर आप दोस्तों हजारों रुपए की कमाई प्रतिदिन कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो आज का काफी ज्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं वह 100% सफल तरीका, सही जानकारी, बिल्कुल सत्यता के साथ, पारदर्शिता के साथ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। एक एक चीज मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा, बहुत ध्यान से कान खोल करके आप समझिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इन सब छोटे छोटे पूंजी का बिजनेस शुरू करके पैसे कमाना, तो दोस्तों ये सब जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं उसको आपको बहुत धैर्यतापूर्वक सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी काफी मेहनत करने के बाद ही जानकारी को इकट्ठा करके आपसे साझा करता हूं। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग अच्छे होंगे, फिट होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप कहीं भी जाएंगे ना, कहीं पर भी अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपके पास पूंजी कम है, अगर आप चाहते हैं पैसे कमाना, तो दोस्तों कहीं पर भी जाएंगे तो एक चीज आपके पास हमेशा रहेगा, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, इच्छा, पैसे कमाने की इच्छा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आप जरूर ये इच्छा आपका रहेगा कि हाँ मुझे पैसे काम करके कमाने हैं तो कमाने हैं, बाकी कुछ भी नहीं देखना है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर आप बिजनेस, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिस तरीके का मैं बिजनेस आइडिया आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वह भी तरीका कुछ उसी प्रकार का है। अनेक तरीके हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप दो तीन ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो कि छोटी पूंजी से शुरू किया जा सकता है और उससे कम से कम 1000 रुपए तो प्रतिदिन की कमाई की ही जा सकती है दोस्तों। लेकिन इससे पहले ये चीज आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप गांव क्षेत्र में रहते हैं, वहां पे अगर आप अपना व्यापार करना चाहते हैं तो वहां का एक तरीके से खरीदने और बेचने का तरीका कुछ अलग होता है। शहरों में अगर आप देखेंगे तो वहां का व्यापार बेचने का और मटेरियल लोगों को खरीदने का तरीका, या रेट भी कहें या पूंजी भी कहें, तो भी दोस्तों इसमें काफी ज्यादा का अंतर होता है। फिर भी शहरों में भी बहुत ऐसे बिजनेस है जो कि छोटी पूंजी में शुरू किया जा सकता है, वो उससे भी 1000 रुपए की कमाई की जा सकती है। लेकिन मैं आपको केवल अभी गांव में के बात बता रहा हूं, जो कि मेरे चैनल के ज्यादातर जो दर्शक हैं वो गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं गांव की जानकारी ज्यादा शेयर करता हूं और मैं खुद गांव से बिलोंग करने वाले व्यक्ति में से एक व्यक्ति हूं। तो दोस्तों सबसे मैं जो पहला तरीका आप बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये 2000 से 3000 के बीच में आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उससे 1000 रुपए की कमाई रोजाना की कर सकते हैं, जो कि सबसे पहला तरीका है हरी सब्जी का व्यापार। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे विस्तार से समझिएगा इसको दोस्तों। इस वीडियो में आपको वह मूल मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं इन तरीकों को अपना करके पैसे कमाना, तो दोस्तों मूल मंत्र आप ध्यान में रख लीजिएगा, हरी सब्जी का व्यापार। दोस्तों कैसे गांव में इससे कैसे कमाया जा सकता है, दोस्तों इस बात पर आप फोकस कीजिएगा और मैं अब जो बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस तरीके के बिजनेस को बताने वाले अनेक लोगों में से एक लोग मैं हूं, जो कि मैं आपको पूरे डिक्लेयर से बता रहा हूं। जैसे दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं
अभी अगर आप देखेंगे ना तो खेतों में जब आप जाएंगे, आप बेशक व्यापारी हैं लेकिन सब्जी के खेतों में जाएंगे तो अभी के समय आज के डेट में सर्वाधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा? बैगन, गोभी। किस तरीके से आप पैसे कमा पाएंगे ये भी मैं आपको बताने वाला दोस्तों। जब सीजन किसी भी मतलब फसल का, खासकर से सब्जी का, जब पहली फसल की कटाई होती है ना, उस समय मार्केट में उस फसल की कीमत ज्यादा मात्रा में होती है। यानी कि अगर बैगन की अगर आपने खेती किया है और पहली कटाई आप किए हैं और मार्केट में आप पहले लेकर गए हैं, तो निश्चित है दोस्तों कोई भी सब्जी है जो हरा सब्जी है मार्केट में पहले ज्यादा कीमत में बिकता है। जिसमें दोस्तों बहुत आसानी से हर व्यक्ति को आप देखेंगे, जो भी व्यापारी व्यक्ति होता है, वह सब्जी किसान से यानी खेत के फसल से सब्जी वो खरीदता है। तो किसान से अगर आप देखेंगे ना, तो सीधा सीधा कहा जाए तो जो कीमत मार्केट में चल रहा है उससे या तो आधा या तो उसका डेढ़ा डेढ़ा कीमत में आप वह व्यापारी किसान से खरीदेगा, और या तो उससे दोगुना फायदा कमाएगा बेचने के बाद। यानी कि जितने में प्रति किलो खरीदा होगा उतना और वह कमा करके मार्जिन लेकर मार्केट में बेचेगा, या उसका आधा यानी कि एक तरीके से डेढ़ा में मटेरियल अपना बेचेगा, जिससे उसको जितना पूंजी लगाया होगा, अगर 2,000 पूंजी लगाया है तो लगभग उस व्यक्ति को 1,000 या 700-800 रुपये का फायदा होता है। मैं आपको थोड़े और भी सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मार्केट में बैगन का कीमत 40 रुपए प्रति किलो है मार्केट में फुटकर। आप अगर व्यापारी हैं या कोई भी व्यक्ति व्यापारी है, तो वह जब भी खरीदने जाएगा ना किसान से, जो बैगन उगाया हुआ है फसल को जब खरीदने जाएगा, तो दोस्तों वह 20 से 25 रुपए के आसपास खरीदेगा। मैं बिल्कुल सटीक जानकारी दे रहा हूँ, इस तरीके की जानकारी कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों 100% सत्य है, 100% सत्यता के साथ मैं आपको बता रहा हूं। अगर 40 रुपए फुटकर मार्केट में है, तो अगर आप व्यापारी जाएगा तो 20 से 25 रुपए के आसपास खरीदेगा। अगर ज्यादा डिमांड है मार्केट में तो वह 30 रुपए भी दे सकता है, मतलब किसान को थोक व्यापारी, यानी कि कम से कम वो 10 रुपए मार्जिन तो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि माल अगर नहीं भी बिकेगा तो खरीदे हुए कीमत में तो मुझे बेचना ही पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे तो उस व्यक्ति ने अगर 25 रुपए किलो बैगन खरीदा, यानी 1 क्विंटल बैगन खरीदा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों थोक में खरीदा है तो उसको भी कुछ क्या चाहिए, मार्जिन चाहिए। 1 क्विंटल बैगन खरीदा तो और भी मार्केट में जो व्यापारी होंगे, जो व्यक्ति किसानों से खरीद रहा है, वो और भी व्यापारियों को, जो कि और व्यापारी जो कि किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं या उनको माल नहीं मिल पाता है। अगर कोई भी व्यक्ति को माल अगर देखेंगे रॉ मटेरियल, तो रोजाना रोजाना हरा सब्जी में रोजाना एक ही चीज नहीं मिलता है, तो दोस्तों और भी व्यापारियों को ले जाकर के वह बेच सकता है। उसमें भी वह चाहे तो 5 रुपए और थोक में भी बेचकर वो व्यापारी मार्जिन कमा सकता है। यानी कि 20 रुपए का अगर उसने खरीदा या 25 रुपए खरीदा, तो और भी अपने तरफ व्यापारियों को वो 30 रुपए किलो भी बेच सकता है, जिसमें वो 40 रुपए बेचकर और भी व्यापारी मार्जिन कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब फुटकर बेच रहा है, यानी कि अगर वो 10 रुपए किलो पर अगर मार्जिन ले रहा है, तो दोस्तों बहुत आसानी से वो 1,000 रुपए की कमाई कर ले रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है। और होता क्या है, बस इसमें थोड़ा ये चीज दिमाग लगाना होता है कि कौन सा मटेरियल किस जगह बेचना चाहिए और मार्केट के बारे में पता भी होना चाहिए। इस बात को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो कि एक सफल व्यापारी है और वह अपने व्यापार में कुशल है और वह इन तरीकों से ही व्यापार करता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि बैगन की ही सब्जी बेच रहा है, कोई भी किसी भी चीज का प्रोडक्ट बेच रहा है तो वह आधे कीमत में खरीदता है और ले जा करके मार्केट में जितने में खरीदा रहता है उतने में बेचता है, या उससे थोड़ा सा कम, यानी कि 1/4 हिस्से में 3 हिस्से के आसपास मार्जिन लेकर बेच देता है। यानी कि अगर आप देखेंगे, यानी कि 20 रुपए खरीदा है तो नहीं 20 रुपए और मिल रहे हैं, तो वो 15 रुपए 10 रुपए मार्जिन लेकर बेच ही देता है। वही व्यापारी कुशल व्यापारी है, वो कोई भी चीज खरीद सकता है, उसमें जरूरी है कि सब्जी ही है, और भी अनेकों प्रकार के जैसे दलहन है, तलहन है, या अनाज है, अनेकों तरीके के सामान है जो कि व्यापारी खरीद कर सही जगह सही समय पर सही कीमत में बेच देता है, जिससे वह अच्छा खासा कमाई खरीद बेच करके ही कर सकता है।
ये तो गांव का तरीका है दोस्तों। शहरों में अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत वहां बिजनेस देखने को मिलेंगे जिससे लोग पैसे कमाते हैं। शहरों में तो ये चीज होता है कि यार उसमें ज्यादा तोल मोल ज्यादा नहीं करना होता है, क्योंकि लोगों को ज्यादातर आप देखेंगे ना तो कुछ खरीदना ही होता है, और थोड़ा कम ज्यादा, क्योंकि समय लोगों के पास नहीं होता है। सभी लोग कोई ना कोई ऑफिस नौकरी कहीं ना कहीं सरकारी प्राइवेट काम करते ही रहते हैं। तो वहां पर भी आप देखेंगे सेकेंड हैंड जूते चप्पल या खाने से जुड़े हुआ अनेकों सामान, जो कि छोटे छोटे चाय का ही व्यापार, वहां पर भी आप देखेंगे छोटी पूंजी में चाय का ही व्यापार करके लोग कमा लेते हैं दोस्तों, अनेकों तरीके हैं। दोस्तों ये सब जो बातें हैं ना, ये समझने वाली बात है। ये जो व्यक्ति समझ लिया है ना, वही इस बिजनेस को करता है और पैसे अच्छा खासा कमाई करता है। पूंजी छोटा ही है लेकिन पैसे कमा लेता है। आपने गांव में भी, आपने जिस एरिया में भी रहते हो, ऐसे व्यापारियों को आपने देखा होगा कि आपके, यानी कि अगर आप एक किसान परिवार से हैं तो आपके यहाँ अगर अनाज होता है या दलहन होता है या तलहन तेल से जुड़ा सामान होता है, जैसे सरसों है, तीसी है, अनेकों सामान है, व्यापारी आपसे या आपके परिवार से खरीद करके लेकर के जाते हैं और वह अपने कीमत में समय आने पर उसको स्टॉक करके रखते हैं, बेचते हैं, और उन्हीं चीजों में वह 2 गुना 3 गुना तक की कमाई कर लेते हैं। तो पैसे बिजनेस में कितनी पूंजी है ये चीज नहीं है कि इतनी पूंजी है तो मुझे इतना कमाई कर लूंगा आराम से। मैंने मैंने बता दिया कि आप इतना पूंजी लगाइए, इतना कमाई कर लीजिए, ऐसे नहीं है। जिसके पास दिमाग है ना, वह तो कोई भी चीज बेच करके उससे पैसे कमा सकता है, यानी कि किसी भी चीज को खरीद कर वो बेच देगा, उसको मार्जिन मिल जाएगा। बैठे बैठे लोग पैसे कमा लेते हैं, केवल उसको खरीद कर रख लेते हैं, ग्राहक खुद लेकर के चला जाता है पैसे दे करके, वो भी ढूंढते हुए आता है। दोस्तों बहुत ऐसे बिजनेस है, एक छोटे छोटे से लेकर हर एक प्रकार के बिजनेस आपको देखने को मिले होंगे। गांव में भी आपने अनेकों तरीके का बिजनेस देखा होगा। तो दोस्तों आज आपने यह चीज जरूर समझ गए होंगे कि पूंजी छोटा का मायने नहीं रखता, दिमाग का मायने रखता है कि आप कितना अपना दिमाग चला सकते हैं। 2,000, 2,500, 1,500, 1,000 लागत हो तो बिजनेस किया जा सकता है और पैसे कमाया भी जा सकता है, लेकिन करने वाला व्यक्ति समझदार होना चाहिए कि कौन सा चीज किस समय पे खरीदना है, उसको कहाँ ले जाकर कैसे बेचना है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने काफी कुछ समझने का प्रयास किया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा भी होगा, और मैंने जो भी आज के वीडियो में जो भी नॉलेज था, ठीक है ना, इस कंटेंट से जुड़े मैंने हर एक जानकारी देने का प्रयास किया। अगर कोई भी जानकारी अगर छूट गई है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ इसमें नहीं बताया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको कोई लग रहा है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैंने कुछ अगर इसमें छूटा हुआ चीज है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं कमेंट करके आपके उत्तर जरूर दूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और एक तरीके से खुश रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात किया जाएगा। और जय हिंद, जय भारत।